The Congress party is reacting to Narendra Modi's cabinet expansion. Let's quickly listen in to Ajay Maken. हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जो 13 इस प्रकार के मंत्रियों को लेकर के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेकर के जो कोर्ट के अंदर गए थे, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि मंत्रिमंडल के फेरबदल के अंदर नरेंद्र मोदी जी शायद सुप्रीम कोर्ट की इस बात का और शायद एक साल से भी कम समय अब तो उनको याद होना ही चाहिए, भूलना भी नहीं चाहिए, जो उन्होंने कहा था कि पूरे के पूरे पार्लियामेंट के अंदर वो टेंटेड लोगों को हटा देंगे, तो पूरे पार्लियामेंट की तो बात की बात है, हटाना नहीं हटाना तो सीधे शायद उनके हाथ में नहीं है, लेकिन अपने मंत्रिमंडल में टेंटेड लोगों का हटाना तो उनके अपने हाथ में है, कम से कम उसका फैसला ये खुद क्यों नहीं कर सकते। आज हम लोग ये जानना चाहते हैं कि वो 13 मंत्री जो थे उनको आपने क्यों नहीं हटाया, उसके ऊपर से नए इस प्रकार से मंत्री आप क्यों ले आए, और नए मंत्री जो लेकर के आए हैं उसके बारे में भी एक तो मैंने बताया, दो और मैं उदाहरण देना चाहता हूं। कल जो मंत्रिमंडल के जब उनके उम्मीदवारों नाम की जो घोषणा जब हुई, उम्मीदवार नहीं मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम की जब घोषणा हुई, तो हमने उन सब लोगों की बारे में जानकारी लिया, तो एक ऐसे मंत्री हैं जिनके एफिडेविट के अंदर 23 केसेस, एक दो नहीं 23 केसेस, ये पेजेस जो हैं, एक पेज, दो पेज, तीन पेज, ये तीनों के तीनों उनके एफिडेविट के भरे हुए हैं, ये केसेस से ये तीन पेजेस हैं पूरे के पूरे। मेरे को नहीं लगता कि किसी भी और पूरे पार्लियामेंट में शायद किसी भी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इतना भारी भरकम क्रिमिनल रिकॉर्ड का किसी का भी होगा जितना भारी भरकम क्रिमिनल रिकॉर्ड इन एक मंत्री का है। तो जो प्रधानमंत्री पूरे पार्लियामेंट को क्रिमिनल से सफाया करने की बात चुनाव से पहले करते थे, अब उन प्रधानमंत्री जिसे कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती है कि पार्लियामेंट के अंदर तो आप सफाया बाद में करेंगे या नहीं करेंगे, क्या कर पाएंगे, अपने मंत्रिमंडल के अंदर सफाया करने की बात तो दूर रही, आप इंडक्ट करे जा रहे हैं और इसके अंदर केसेस के अंदर 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस से लेकर के और दूसरे जो भी आप सोच सकते हैं शायद वो सारे के सारे केसेस इसके अंदर मौजूद है। नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर रामशंकर, आगरा से हैं। रामशंकर कठेरिया, हाँ। तीसरे इनके हम सब लोग उनको बहुत अच्छे से पहचानते हैं टेलीविजन पे, जो नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने वोट नहीं दिया उन सबको पाकिस्तान भेजने की जो बात करते थे गिरिराज जी। हम मोदी जी से जानना चाहते हैं, भारत सरकार से जानना चाहते हैं कि उनके घर एक चोरी जब हुई थी, उन्होंने कहा कि 50-60 हजार की चोरी हुई, लेकिन जब माल निकला तो 1.25 करोड़ का सामान उनके जब्त हुआ जो कि चोरी उनके घर से हुई। उसके बाद में इनकम टैक्स ने भी और उसके अंदर कार्रवाई करनी शुरू करी और दूसरी कार्रवाइयां भी शुरू करी हुई। हम मोदी जी से जानना चाहते हैं कि क्या इनकम टैक्स की पूरी कार्रवाई खत्म हो गई है, क्या इनकम टैक्स ने पूरी की पूरी जानकारी ले ली है कि ये 1.25 करोड़ रुपए उनके घर में क्यों पड़े हुए थे, कहां से आए थे, कैसे पड़े हुए थे, और अगर इनकम टैक्स ने पूरी जानकारी ले ली है तो नरेंद्र मोदी जी, देश की जनता और कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है कि देश को बताएं कि जिसके यहां से 1.25 करोड़ रुपया कैश नकदी जिसके यहां से मिली और उससे पहले वो कैबिनेट मिनिस्टर बिहार सरकार में रहे, तो अगर वो टेंटेड नहीं है तो कौन टेंटेड है, कौन क्रिमिनल है, किसके ऊपर गंभीर आरोप हैं, आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं। मंत्रिमंडल के अंदर विस्तार में और बहुत सारी चीजें हुई। सदानंद गौड़ा जी रेलवे मिनिस्टर थे, उनको वहां से हटा करके कानून में भेज दिया गया, तो आज हम आपसे मोदी जी ये पूछना चाहते हैं कि सदानंद गौड़ा जी को रेलवे से हटा करके कानून में आपने केवल इसलिए भेज दिया कि उनके एसेट्स 9 करोड़ 88 लाख से बढ़कर के 20 करोड़ 35 लाख रुपए केवल 3 महीने के अंदर ही मंत्री बनते ही हो गए, क्या ये कारण था?
उन्होंने जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो इलेक्शन लड़ते हुए उनकी एसेट्स 9,88,00,000 थी। जब एज मिनिस्टर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अपना एसेट्स की जब डिस्क्रिप्शन दी बताई तो वो एसेट 9,88,00,000 से बढ़कर के